रांची के बरियात स्थित आलम नर्सिंग होम और इनसे जुड़े डॉक्टर मजीद आलम के ठिकानों पर आयकर विभाग बुधवार सुबह से छापेमारी कर रही है। आईटी विभाग की टीम डॉक्टर मजीद आलम घर क्लिनिक में विभिन्न कागजातों की जांच कर रही है। आईटी की रेड से हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि झारखंड में आयकर विभाग की नज़र लगातार बनी हुई है। आज सुबह गिरिडीह स्थित मुंगिया स्टील कंपनी व लाल फेरो कंपनी के गिरिडीह व कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। सूचना है कि गिरिडीह में आयकर विभाग के स्थानीय अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार झारखंड के लगभग 15 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। हालांकि कार्रवाई को लेकर अभी विभाग के अधिकारी कुछ बताने से बच रहे हैं। वहीं आयकर विभाग की टीम ने बुधवार की सुबह देवघर में छापा मारा है। बताया जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में सरिया कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। देवघर में इनकम टैक्स की यह छापेमारी तिवारी चौक के पास हो रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मची हुई है। गौरतलब है कि झारखंड में आयकर विभाग की नज़र लगातार बनी हुई है। आज सुबह गिरिडीह स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित मुंगिया स्टील, सलूजा गोल्ड, टीएमटी और लाल फेरो में बुधवार की सुबह से अलग अलग टीम कारखानों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी के गिरिडीह व कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सूचना है कि गिरिडीह में आयकर विभाग के स्थानीय अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। महीने भर के अंदर टीम के द्वारा गिरिडीह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।